ABPS News। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जनपद एटा के ब्लॉक अलीगंज के ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानों को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने प्रधानों से संगठित होने का आह्वान किया और बताया कि यदि हम संगठित नहीं हुए तो सरकारी तंत्र हम प्रधान साथियों का उत्पीड़न करेगा। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने कहा कि हमारे सामने सबसे ज्यादा समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम लोग अपनी ताकत को नहीं जानते हैं, जिससे वो हमारा इस्तेमाल केवल प्राइवेट एजेंसी के रूप में करते हैं। प्रधानों को मुख्यमंत्री जैसा अधिकार मिल चुका है लेकिन हम आपसे एकता में नहीं हैं, इसलिए हम सरकारी तंत्र के आगे जमकर मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उन्होंने प्रधानों को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत कर प्रत्येक माह के अंत में होने वाली मीटिंग में उपस्थित होने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में प्रधान सुरेंद्र कुमार, गायत्री देवी, सन्नो देवी, देवेंद्र सिंह, रामोतार जितेंद्र सिंह, राम सेवक, पार्वती देवी, उर्मिला, जवाहरलाल, मुनीश चौधरी, नौराम प्रधान आदि उपस्थित रहे। प्लान बना कर दिए हैं, पिछली बार जो अधिकार आपको मिले हैं वो जैसे कि आप लोग प्रधान हुए हैं, आप अपनी प्रधानी में मस्त हो जाइए और हम संगठन की गतिविधियों में मस्त हो जाए। एक साल डेढ़ साल की तैयारी के बाद तब हम 20 अक्टूबर को 1 सितंबर 2016 से ग्राम स्वराज जागृत अभियान शुरू किया हमने पीडीबी से और 40 दिन तक हमारा एक महीना 50 दिन तक हमारा घूमा पूरे लगभग 45 दिनों में और तब 20 अक्टूबर को लक्ष्मण मेला मैदान में एक महासम्मेलन हमने किया जिसमें लगभग 50,000 प्रधान साथी इकट्ठा हुए थे और जिसका परिणाम ये निकला कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपने लोगों को बुला लिया और थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन हमें जितने भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सम्मान रोजगार सेवक का मानदेय निकलता है तो उनके सीधे खाते में जाता है, रसोइये का मानदेय होता है उसके सीधे खाते में जाता है, शिक्षा मित्र का मानदेय सीधे खाते में जाता है और हमारा मानदेय सिक्योरिटी के भरोसे है। वो चाहे तो हमारा मानदेय निकालोगे और चाहे वो भी जो मानदेय मिल रहा है उसका अलग से कोई बजट नहीं है। जो विकास कार्य आपको मिल रहे हैं राजवित से आपको मानदेय लेने का अधिकार मिला, मतलब 3,500 भी सबसे ज्यादा वेतन है हमारा, सबसे ज्यादा सुविधाएं कंपनी है, हमसे ज्यादा तो बेहतर स्थिति गाँव की चौकीदार की है। आप कहते फीड होती है क्या इनकी भी क्या कार्यपूर्ति कंप्यूटर में फीड होती है क्या? तो 5 लाख वाले का अगर कंप्यूटर में फीड होगा तो 5 करोड़ वाले का भी फीड होगा। तो पता होता है क्या? अरे बोलो ना, ये अपनी कार्य योजना क्यों नहीं कंप्यूटर में फीड कराते हैं? जिला पंचायत के कार्यों की कार्य योजना कंप्यूटर में क्यों नहीं फीड होती? माननीय विधायकों के धन की कार्य योजना कंप्यूटर में क्यों नहीं फीड होती? सांसदों की कार्य योजनाएं कंप्यूटर में क्यों नहीं फीड होती? अरे भैया, हिंदुस्तान में एक ही तो कानून है कि सांसद